हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फुल टेक वाइज। मेरा नाम है लोकेश और आज हम बॉक्सिंग करेंगे इस रेड हमर कार की। अगर इसके बॉक्स के बारे में बात करें तो भाई एकदम फरारी वाली बॉक्स लग रही है, क्योंकि ये दोनों सेम कंपनी की आती है। आप देख सकते हैं एकदम उसी के जैसा सेम बॉक्स है नीचे भी। अब हम इसको यहाँ से लेते हैं खोल और इसकी कर देते हैं अनबॉक्सिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें नए नए आइडियाज भी दें ताकि हम वीडियो को और भी अच्छा बना सकें। यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले अपने रिमोट को। ये देखिए भाई, ये हमारा रिमोट है, इसको हम रख देते हैं इधर। और ये इसमें हमें एक चार्जर मिल जाता है इसको चार्जिंग करने के लिए, यहाँ फंसा है ये देखिए, इसको भी हम इधर रख देते हैं। और इसमें हमें चार बैटरीज मिल जाती हैं 1.2 वोल्ट की, इसको भी हम इधर रख देते हैं। और यहाँ से निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी को और इस बॉक्स को रख देते हैं इधर। अगर भाई अपने इस रेड हमर कार की बात करें हम, तो यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है ऊपर इसके, यहाँ देखिए ये शीशा है ऊपर वाला जो प्लास्टिक का है, इधर भी हमें शीशा मिल जाता है, ये भी प्लास्टिक का है। इधर दो दरवाजे मिल जाते हैं और ये रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर हमें दो सीट्स मिल जाती हैं और एक हैंडल, इधर भी दो सीट्स दी गई हैं। और अगर आगे जाकर हम देखें तो इधर हमें दो हेडलाइट्स मिल जाती हैं, ये देखिए एक इधर है और एक इधर है, और ये दोनों हेडलाइट्स जलती हैं। और इधर आगे एक बम्पर भी मिल जाता है हमें। और अगर पीछे देखें तो इधर भी भाई हमें दो लाइट्स मिल जाती हैं, ये देखिए एक इधर और एक इधर, और ये लाइट जलती नहीं है। और इधर भी हमें जो है एक शीशा मिल जाता है प्लास्टिक का। और अगर इसके व्हील्स के बारे में बात करें तो हार्ड रबर है इसमें और प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है। और इधर देखिए ये इसका बैटरी वाला कंपार्टमेंट है, हम इसमें बैटरीज लगाएंगे जो इसके साथ हमें मिली है। अब इसको हम रख देते हैं इधर। और अब बारी आती है हमारे रिमोट की। भाई हमें इसमें तीन बटन्स मिल जाती है, ये देखिए इस वाले बटन से ये गाड़ी आगे पीछे होती है, और इस वाले बटन से ये दरवाज़ा खुलता है, और इस वाले बटन से ये गाड़ी लेफ्ट राइट होती है। और ये इसका एंटेना है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और ये इसका बैटरी वाला कंपार्टमेंट है। अब इन सब चीज़ों को हम रख देते हैं इधर और इसमें लगाएंगे सेल और इसकी करेंगे टेस्टिंग। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो आगे और भी अच्छा होगा। तो चलिए अपनी गाड़ी को इस प्लेन सरफेस पे चला के इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। भाई हमारी गाड़ी प्लेन सरफेस पे तो बहुत बढ़िया चली है, तो चलिए अब इसे रफ सरफेस पे चलाते हैं और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी करें।